हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और हम लोग एनसीईआरटी को भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। और जो पुस्तक है वो आपके कक्षा 12 की पुस्तक है और कक्षा 12 में जो भारतीय इतिहास है 3 भागों में है, तो उसमें से एक भाग हम लोगों का कम्प्लीट हो चुका है। दूसरे भाग पर हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वो 3 भागों में है, तो प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में विभक्त है तीनों भाग। तो प्राचीन काल हम लोगों का एकदम विधिवत तरीके से कंप्लीट है। मध्यकालीन भारत पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब मध्यकालीन भारत पर भी हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य तक पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले की कक्षाओं में देखेंगे कि यात्रियों के यात्रा वृत्तांत थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। और एनसीईआरटी को हम लोग एक डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय समाज में विकास हुए हैं, किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों का विकास हुआ, तो उन सारी बातों पर हम लोग बात कर चुके हैं। और हम लोग मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य पढ़ा जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य पर 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये 3रा लेक्चर आप लोगों का होगा। और हम लोग पुस्तक के आधार पर सारे अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। साथ साथ पुस्तक भी लेकर चल रहे हैं, इस तरह से नहीं कि एक हेडिंग बता दिए उस पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, अपने हिसाब से भी जो चीज़ें उसमें होती हैं वो सारी बातें आप लोगों को बताई जा रही है। तो फिर एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो एकदम एनसीईआरटी का बेसिक जो नॉलेज है, जिस प्रकार से एनसीईआरटी का उद्देश्य है कि वो आपके बेसिक नॉलेज को एकदम क्लियर कर देगी, ठीक है। जहाँ तक आप देखेंगे कि एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि एनसीईआरटी की पुस्तक जो है आप लोगों से बातें कर रही हैं, तो उस आधार पर आप उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, समझिए, सोचिए। और सबसे बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग कोई भी चीज़ पढ़िए तो उस पर चिंतन मनन जरूर करिए। और जब तक चिंतन मनन आप नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का जो ज्ञान है वो अधूरा ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का एक उद्देश्य है कि आप लोगों का बेसिक नॉलेज क्लियर कर देगी। और आज हम लोगों को बात करना है विजयनगर के बारे में, कि विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग्स बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को पुस्तकें दिखाएंगे कौन सी पुस्तक पढ़नी है। और हम लोग एक पुस्तक का अध्ययन पूरा एकदम विधिवत कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए और सोचिए कि किस प्रकार से भारतीय समाज में उस तरह से घटनाएं घटित हुई थी, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, अतुलनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय समाज में सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ वो विश्व के कहीं अन्य जगहों पर नहीं हुआ है, जिस प्रकार भारत में हुआ, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण बातें होती हैं, ठीक है। तो वो समझना पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की हेडिंग है हम लोगों का विजयनगर, यहाँ से लिखते हैं विजयनगर, विजयनगर और उसके राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, ठीक है। राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, इसके परिप्रदेश, ठीक है। और इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कि उस राजधानी तो बना ली गई, साम्राज्य स्थापित हो गया, और उस साम्राज्य के अंदर क्या है, राजधानी में क्या है, वो सारी बातें इसमें हम लोग बात करेंगे। जिसमें जो पहली हेडिंग है जल संपदा, जल संपदा, दूसरी है किलेबंदियाँ तथा सड़कें, किलेबंदियाँ तथा सड़कें। और फिर इसके बाद जो हेडिंग्स हम लोगों को पढ़ना है शहरी केंद्र, इन 3 हेडिंग्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले एक एक चैप्टर को लेकर चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने और समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर एक ही किताब को हम एक ही दिन में ख़त्म कर दें या एक अध्याय को एक ही दिन में ख़त्म कर दें तो आप लोगों को नाम मात्र की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज देती है और एक हेडिंग्स में आप लोगों को पूरा एकदम वो डिफाइन कर देगी कि किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें घटित हुई थी। तो हम लोग इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिए कौन सी पुस्तक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के बारे में हम लोग बात किया जा रहा है और हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही
इसके बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सदाबहार प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को इससे जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने विजयनगर के शासकों के बारे में हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया था, वहाँ के जो सैन्य कमांडर थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग एकदम ध्यान में रखे रहिए और जो फैक्ट हैं उसको लिखते जाइए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे प्रश्न हमेशा बनते हैं, सदाबहार प्रश्न होते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न विजयनगर से पूछे जाएंगे। तो आप लोग उनके बारे में जानकारी रखिए। और अब देखिए कि विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, तो यहाँ पर बात किया जाएगा कि राजधानी में क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बनाया गया था, किस प्रकार से वहाँ पर सिंचाई के साधन थे, व्यवस्थाएं की गई थी, किस प्रकार सामाजिक संरचनाएं था, फिर उसके बाद जो सुरक्षा के प्राचीर हैं वो किस प्रकार से थे, फिर वहाँ के जो नगर नियोजन की बातें की जा रही हैं तो वहाँ पर, फिर उसके बाद मंदिरों के अवशेष जो पाए गए, और फिर उसके बाद जो शहरी केंद्र की वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के जो साधन हैं वो किस प्रकार से थे। तो यहाँ पर एक मैप आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, छोटे चीज़ें में दे दिया है, तो इस तरह से समझना कि आप लोग देखिए कि ये कितने बड़े साम्राज्य का एक राजधानी है, किस प्रकार से यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है, फिर उसके बाद कृष्णा नदी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए कि छोटा छोटा चीज़ें लिखी गई हैं, तो थोड़ा सा समझ में दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि हम्पी है यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो चीज़ें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिला था, तो हम्पी के भग्नावशेषों से, हम्पी के खोज के द्वारा और हम्पी के पांडुलिपियों के द्वारा, अभिलेखी साक्ष्यों के द्वारा ही हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि शहर के विषय में जो खोज है कि विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की है और इसके बारे में लिखा कि इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कॉन्टी नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रजाक नामक फारस के राजा का राजदूत, अफानासित निकतिन नामक रूस के व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्ते बारबोसा डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फारनाओ नूनी जो 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो इन यात्रियों का जो वर्ष है, सदी है, वो भी आप लोग याद रखिए कि कौन से यात्री जो है 15वीं शताब्दी में आए हैं, कौन से यात्री जो है 16वीं शताब्दी में आए हैं। और हम लोग अध्ययन ही कर रहे हैं 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य की घटनाओं को। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को रहेंगी। और विजयनगर साम्राज्य से यात्रियों का विवरण बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और निकोलो कोंटी के बारे में तो UPPCS IASP में भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि विशाल फैला हुआ शहर, यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर साम्राज्य शहर के वर्णन से लिया गया है, एक उद्धरण है। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका बड़ा भाग देख पाया, और मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया, क्योंकि यह कई पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने देखा जो मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर, जिसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचे में तथा पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं तथा कई स्थानों पर झीलें हैं तथा राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। तो ये आपके डोमिंगो पेस द्वारा लिखा जा रहा है। ये डोमिंगो पेस आपका कहाँ से आया था, देखिए कि पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगाल से नहीं, डोमिंगो पेस आपका, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करिएगा कि डोमिंगो पेस कहाँ से आया था, शायद पुर्तगाल से ही आया था। डोमिंगो पेस दुआर्तो बारबोसा फर्नाओ नूनीज ये सारे लोग जहाँ वहाँ से वहाँ पर पुर्तगाल से ही आते, क्योंकि पुर्तगाली ही जो है 1498 ईस्वी में पहली बार भारत में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप विवरण देखते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने विवरण अच्छे अच्छे लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था, तो इसके बारे में कृष्णदेव राय लिखते हैं अपने अमुक्त माल्यद में कि कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। तो डोमिंगो पेस द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा जो जलाशय बनवाया गया था, तो उस जलाशय के बारे में डोमिंगो पेस क्या लिखते हैं, देखिए कि राजा ने एक जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी के से आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकाव से खुद एक छोटी सी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती के चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं
जिनसे ये अपने बगीचे तथा धान के खेतों की सिंचाई की के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी भी थे चींटियों की तरह। तो वहाँ पर इस तरह से देखिए कि डोमिंगो पेज जो है एक पहाड़ी है, उसको कृष्णदेवराय, उसको बताया जा रहा है कि कृष्णदेवराय ने उस पहाड़ी को एकदम कटवा दिया था, तोड़वा दिया था, और उस पहाड़ी को तोड़ने के लिए 15 से 20 हज़ार लोग एकदम चींटियों की तरह वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से जलाशय का निर्माण और जलाशय का जो प्रयोग किया जा रहा है पर सिंचाई के साधन के लिए, पीने के पानी के लिए, और वहाँ पर जो संसाधनों की जलापूर्ति है उसको किया जा रहा है उन जल के पानियों से, उन जल के द्वारा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखिए कि वो जल जो है झील से छलकाव, झील से वहाँ से मिलती है, जो एक नदी से जुड़ी हुई है। और क्योंकि वहाँ पर देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो वर्ष भर जल से ढकी नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर मानसूनी नदियाँ रहती हैं, तो मानसून जब आता है तो वहाँ पर पानी जल रहता है नदियों में। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से वहाँ पर सिंचाई और जल भंडारण क्षमता जो है, जो जलों का संचयन किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, और उसको लिए जो वहाँ के लोग हैं, कारीगर हैं, वो भी उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में देखने को मिलते हैं। और जल संपदा के बारे में हम बात करें तो जल संपदा वही चीज़ है कि किस प्रकार से नदियों का जल का प्रयोग किया जा रहा है, नहरों का निर्माण किया जा रहा है, नहरों का जाल बिछाया जा रहा है, नहरों के अब देखेंगे कि किलों की तरह नहरों का निर्माण किया जा रहा है। तो उस तरह से जलों को एकदम नगरों के बीच में ले आए, लेकर आया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला यह तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, आसपास के भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहरों के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो तुंगभद्रा नदी है वो शहर के चारों तरफ जो है एक करधनी, यानी कि आप देखेंगे कि कमर बंद जिसे बोला जाता है करधनी, और वो पूरे कमर को एकदम लपेटे रहता है। तो उसके आधार पर उस पूरे शहर को वो नदी जो है एक कमर करधनी की तरह वहाँ पर उसको बांधे हुए है, और जल की आपूर्ति एकदम पूर्ण रूप से सुनिश्चित की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर चीज़ें की गई है, ठीक है, ठीक है। और जो वहाँ पर नदियाँ एकदम करधनी तरह बनाई गई, तो उनसे बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया है, नालियों का निर्माण किया गया है, और उन नालियों को, नहरों को निर्माण से जो उस उन जो उस पानी है वो पानी है, पानी को शहरों तक लेकर आया जा रहा है, नगरों तक लेकर आया जा रहा है। और वहाँ पर यह देखने वाली बात है कि लगभग सभी धाराओं को एक साथ बांध कर अपना अलग अलग आकारों का हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी का संचयन और इसे शहर तक ले जाने का व्यापक प्रबंधन आवश्यक था, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि पानी के संचयन के लिए और प्रबंधन के लिए अब किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, और किस प्रकार से नदियों के पानी को शहरों तक, नगरों तक लेकर आया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय बात है। और यहाँ पर 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है, ठीक है। तो कमलपुरम जलाशय का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, और इन हौजों में पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि एक शहर के माध्यम से, एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जा रहा था। और यहाँ पर बात की सबसे महत्वपूर्ण एक नहर की बात किया जा रहा है कि हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध पर पानी लाया जाता है। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी से सिंचित करने का प्रयोग किया जा रहा था, जिसका निर्माण संगम वंश के शासकों के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में कि जो जल संसाधन है, जो जल संपदा है, उसको एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किस प्रकार से निर्माण किए जा रहे हैं, किस प्रकार से नहरों का निर्माण किया जा रहा है, हौजों का निर्माण किया जा रहा है। हौज आप मान के चलिए कि एक बहुत मान लीजिए कि छोटा जो हौदा होता है, हौदा टाइप का, जिसमें जल भरा जाता है। और गांव में अभी देखे आज भी देखेंगे कि ट्यूबवेल होंगे, पुराने ज़माने के जो ट्यूबवेल होंगे, तो ट्यूबवेल के पास में ही एक हौज टाइप का भरा जाता था। तो वो काफ़ी गहरा नहीं होता था, लेकिन बड़ा होता था, तो उसमें पानी इकट्ठा किया जाता था। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ पर भी निर्माण किया गया है, और उनके जो परंपराएं हैं वो आगे चलकर कालांतर में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हौजों का निर्माण किया जा रहा है, फिर नहरों का निर्माण किया जा रहा है, और हौजों और नहरों से जो पानी को लिया लेकर आया जा रहा है
उसको नगरों तक लिया जा रहा है, लेकर आया जा रहा है राजधानी तक, शहरी केंद्रों तक और शहरी केंद्र धार्मिक केंद्रों तक, उस सारी चीज़ों का निर्माण किया जाए। कमलपुरम नामक जलाशय है, जलाशय के बारे में बात किया जा रहा है कि वहाँ से सिंचाई के साधन तो लाए जा रहे हैं लेकिन उसकी आपूर्ति जो है शहरी और नगर केंद्रों के लिए भी की जा रही है। और फिर एक हीरिया नहर के बारे में बात किया जा रहा है कि हीरिया नहर जो है वो भी एकदम पानी के अच्छा स्रोत है और वहाँ पर जो हीरिया नहर का बनाने का जो कार्य है वो संगम वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था, इस प्रकार के बात किया जा रहा है। और हीरिया नहर से देखेंगे कि तुंगभद्रा नदी के पानी को शहरी केंद्रों तक, धार्मिक केंद्रों तक लेकर आया जा रहा है, ठीक है, और उनसे सिंचाइयों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। और यही बात है कि इसीलिए विजयनगर साम्राज्य जो है महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टि से, फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से, ठीक है। तो इसीलिए विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किलेबंदियाँ तथा सड़कें, तो यहाँ पर बहुत सारे किलेबंदियाँ किया गया था। यहाँ पर देखिए कि इसको इस पैराग्राफ को हमको बताते हैं, पढ़कर बताते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रजाक, ठीक है। तो फारस का दूत था अब्दुल रजाक ने देखिए कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य किलेबंदियों का वर्णन दिया है। तो अब्दुल रजाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ, उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये आप लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिएगा कि अब्दुल रजाक जो फारस का राजा का दूत था वो विजयनगर साम्राज्य में आया और उसने दुर्गों के 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है, ठीक है, उल्लेख किया है। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती हैं। तो सबसे बाहरी दीवार जो नगर के सबसे बाहरी दीवार को बनाया गया था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राचीर, दीवार, दुर्ग जो बोले जाते हैं सब एक ही चीज़ को बोला गया है। तो जो दीवार बनाए गए हैं, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े दीवार बनाए हैं, मोटी मोटी दीवारें बनाए गए, पत्थरों से दीवार बनाए गए हैं, ठीक है। क्योंकि पत्थरों से दीवार बनाने का अर्थ यह होता है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि युद्ध और बाह्य आक्रमण से उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और वो जो विजयनगर साम्राज्य में जो अब्दुल रजाक विवरण दे रहा है कि जो बाहरी दीवार है वो हर एक पहाड़ी को जोड़े हुए है और वहाँ पहाड़ियों के बीच में अब डोमिंगो पेस ने भी वहाँ पर कहा है कि पहाड़ी से घिरा हुआ है तो इसको हम पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। फिर उसके बाद अब्दुल रजाक भी कह रहा है कि वो पहाड़ियों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो पहाड़ी जब है तो पहाड़ियों को चढ़कर फिर नीचे उतर कर वहाँ पर किसी राज्य पर आक्रमण करना इम्पॉसिबल हो जाता था उस समय, क्योंकि वहाँ पर सामरिक दृष्टि से वो पहाड़ी जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता था, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कि कहा जा रहा है कि सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी, गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे जिसके कारण वे स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ वर्गाकार आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बात किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का मसाला का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किया गया है दीवार बनाने के लिए। और दीवार बनाने के जो पत्थर हैं और पत्थर के जो फनाकार हैं, जो पत्थर जो है फनाकार हैं, वो अपने स्थान पर टिके रहते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर वो पत्थर है मान सोच कर देखिए एक बार कि कितने बड़े बड़े पत्थर रहे होंगे। तो उन बड़े बड़े पत्थरों का, छोटे पत्थर रहेंगे तो दीवार तो गिर जाएगी ना, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा वहाँ पर दीवारों का निर्माण किया गया है। और उनके अंदर मिट्टी के, यहाँ देखिए कि दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ है। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज शहर बाहर की ओर निकले हुए थे। तो वहाँ पर जो यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार जो बुर्ज इसके संबंध है कि वहाँ पर जो आप देखेंगे कि जंगले टाइप का, मान लीजिए कि वहाँ रहन सहन के लिए या एक सुरक्षा के दृष्टि से उस पर सैनिकों को रखने के लिए वो बनाया गया था, ठीक है। तो उस तरह से कार्य किए गए थे, तो वो बहुत ही सामरिक दृष्टि से युद्ध और बाह्य आक्रमण के लेकर उसको बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस किलेबंदी से सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली और दूसरी, यहाँ पर देखिए कि एक खेत के जो चित्र है, यहाँ पर देखिए कि राजकीय केंद्र की ओर जाती है कृत्रिम जल प्रणाली, ये देखिए कि ये नहर बना गया कि कितने अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से एक देखिए कि नाली की तरह बनाया गया, इसको लेकर एकदम
सोचिए कि एकदम शहर तक बनाया गया है और शहर तक नगरों तक इस तरह से चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही उल्लेखनीय है और उस पर कार्य करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि घेरा गया अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली और दूसरी तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत बगीचे तथा आवास हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि जो सात पंक्तियों का तो उल्लेख किया ये, तो पहली दूसरी और तीसरी जो है उन दीवारों के बीच जो है जुते हुए खेत हैं, और जाहिर सी बात है कि जो दीवार बनाए गए हैं तो उनमें पानी के ले आने के लिए भी सुविधा बनाई गई होगी। तो जुते हुए खेत हैं और उनके बीच फिर बागीचे और आवास भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि आप समझिए कि वहाँ पर खेत भी है, आवास भी हैं, बागीचे भी हैं, यानी कि रहने की हर एक सुविधा का वहाँ पर ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो और पेस कहता है कि ये डोमिंगो पेस का है, और वो अब जो दीवारों के बारे में बात किया जा रहा है वो आपका उसका अब्दुल रजाक है, फारस का राजदूत का। और डोमिंगो पेस कहता है कि पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत ही है, जिसे खेत है जहाँ वे धान उगाते हैं और कोई उद्यान है, और वहाँ बहुत जल जो दो झीलों से लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल संसाधन प्रणाली की भी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चित की गई थी। ये देखिए कि एक गोपुरम में प्रवेश द्वार है, कि किलेबंदी दीवार में बना प्रवेश द्वार। ठीक है, तो आप चित्रों को भी देखते रहे, ध्यानपूर्वक देखते रहे। ये देखिए कि प्रवेश द्वार है, आप देखिए कि प्रवेश द्वार कितना बड़ा है, कैसे बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस प्रवेश द्वार की जो गुंबद बनाई गई है इसको देखिए और सोचिए, आप देखिए कि सोचने वाली बात है कि ये विजयनगर साम्राज्य के प्रवेश द्वार है और उस पर गुंबद यानी कि मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इस्लामिक शासन पद्धति से, इस्लामिक स्थापत्य कला से उसको लिया गया है। ठीक है, ये देखिए ये प्रवेश द्वार, देखिए कि प्रवेश द्वार है कि जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, और ये प्रवेश द्वार है जो नगरों के जो समृद्धि के द्योतक होते थे। ठीक है, तो नगरों के समृद्धि के, अब मान लीजिए कि किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश द्वार ही एक बहुत बड़ा विशाल है और एकदम देखने लायक है, जिस तरह से इसको देखिए किस प्रकार से बनाया गया है, और ये एक प्रवेश द्वार है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आप लोग के उसके अंदर प्रवेश करने के बाद वहाँ पर एक फीलिंग जगेगी कि एकदम यह शहर जो है अपने समृद्धि को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो सेंसिटिव है, यानी कि वहाँ पर संवेदनशील है। तो इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर आप लोगों में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वहाँ पर देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ जो है दीवालों को बनाया गया, दीवालों के पास में बहुत ही बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं, और ये प्रवेश द्वार जो नगरों के अंदर भी होते थे, शहरों में भी होते थे, और वहाँ पर जो बाहरी दीवार वहाँ पर भी होते थे, और महलों में भी, शासकों के महलों में भी ये प्रवेश द्वार देखने को मिलते थे। और इसीलिए विजयनगर साम्राज्य के जो भव्य मंदिरें हैं, और जो विजयनगर साम्राज्य के नगर नियोजन है, फिर शहरीकरण है, नगरीकरण है, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपके विचार में कृषि क्षेत्रों की किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियाँ कई महीनों और यहाँ तक कि सबसे कई वर्षों तक चल सकती थी। आम तौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर हुए विशाल अन्नागारों का निर्माण करते। तो वही बात कहने की बात किया जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े विशाल दीवारों का निर्माण किया जा रहा है, नगरों के अंदर बाहरी दीवार प्राचीरों का निर्माण किया जा रहा है, दुर्गों का निर्माण किया जा रहा है, और फिर उसके बाद वहाँ पर छज्जे का निर्माण किया जा रहा है, बुर्ज का निर्माण किया जा रहा है, सैनिकों को वहाँ पर रहन सहन के लिए बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था किया जा रहा है, और फिर उसके बाद खेती किया जा रहा है, खेती को भी वहाँ पर दुर्गों से घेरा गया है, वहाँ पर दीवारों से घेरा गया खेतों का। जाहिर सी बात है कि जब घेरा गया तो खेतों को सिंचाई के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं, और वहाँ पर आवासों का भी देखने को मिला, बागीचों का भी देखने को मिला, यानी कि एक मनुष्य के रहने के लिए जो सुख सुविधाएं होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और उस समय आप देखेंगे कि मनुष्य की जो सुविधाएं हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो किससे जुड़ी होती थी? एक खान पान से जुड़ी होती थी, एक जल संसाधन से जुड़ी होती थी, और कृषि से जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, तो इन तीन चार चीज़ों के इर्द गिर्द एक मनुष्य का जीवन घूमता था, तो इसीलिए वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिला है। तो ये माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो चीज़ें की गई थी वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग में चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से
शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। तो वही बात इसमें सारी चीज़ों में इस पैराग्राफ में वही बात किया जा रहा है कि हर एक चीज़ को सुरक्षा प्रदान किया गया था, और शासक वर्ग को भी यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया गया था, और यहाँ पर जो ग्रामीण वहाँ पर जो जनता है, प्रजा है, उनको भी सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है, और इसको आप लोग समझिए और देखिए और सोचिए कि किस प्रकार से चिंतन मनन करते रहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर नगरों का निर्माण हुआ है। और ये अब पुस्तक रख लीजिए, पुस्तक पढ़िए, पुस्तक समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो सभ्यता जिस तरह से स्थापत्यों का निर्माण किया जाता है, तो उनमें बहुत सारे स्थापत्यों में आप देखेंगे कि वहाँ पर जैसे कि इस आप देखिए कि गोपुरम जो है प्रवेश द्वार है, इसमें जो मेहराबों का प्रयोग किया गया, तो इंडो इस्लामिक परंपरा का भी इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि भारत में केंद्रीय सत्ता के रूप में वहाँ पर देखेंगे कि इस्लाम धर्म ही है, तो इसीलिए इस्लामिक परंपरा का जो स्थापत्य की चीज़ें हैं, शैलियाँ हैं, वो भी आपको विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं शहरी केंद्रों के बारे में, तो शहरी केंद्र की ओर जाने वाले सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों की अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है। उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी हो रहते हो। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थायी स्थित मकबरे तथा मस्जिदों को विशिष्ट कार्य है। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों में के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि शहरों के बारे में, तो हम्पी में जो बनाए गए थे और उन शहरों में जो बनाए गए हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो नगर बनाए गए थे, वहाँ पर चीनी मिट्टी के अवशेष मिले हैं। तो ये देखिए कि ये जो चित्र बनाया गया है, ये वाला दिया गया है, यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। और आप लोगों को अंदाज़ा लगाना है कि ये चीनी मिट्टी के किस प्रकार के बर्तन के अवशेष हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोग अंदाज़ा लगे कि ये किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन के अवशेष हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और इसको देखिए कि मस्जिद का है, मस्जिद देखिए कि मस्जिद ये किस प्रकार की मस्जिद दिख रही है। तो आप लोगों को समझ नहीं पाते कि इस प्रकार से भी मस्जिद बनाई गई थी। और यहाँ पर देखिए कि उत्खनित पटरी का एक भाग है, यहाँ पर उत्खनन कार्य किए गए थे, तो वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि जो वहाँ पर विद्वानों का मानना है कि जो शहरों में जो अवशेष पाए गए हैं, भग्नावशेष पाए गए हैं, तो उनका मानना है कि वहाँ पर जो चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, रिहायशी लोग रहे होंगे, और इसीलिए इसको इतने विधिवत तरीके से घेरा गया है, ठीक है। तो सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है, 16वीं शताब्दी तथा का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बारबोसा का एक विवरण दिया गया है कि बारबोसा कह रहा है कि वहाँ पर के लोगों का जो आवास जो था छप्पर का था, यानी कि खपड़े का घर इस तरह से मान लीजिए। और आज भी आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचलों में जाएंगे और थोड़ा सा और ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ के आज भी घर जो है खप्परों के बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो खप्पर के घर बनाए जाते हैं, तो वो आप देखेंगे कि उसमें गर्मी बहुत कम लगती है, वो ठंडा रहता है। तो इसीलिए देखेंगे कि वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में बारबोसा के विवरण में कि उसने कहा कि लोगों के घर छप्पर के तो थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, फिर भी सुदृढ़ थे, और उनके व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित थे, ठीक है। तो वहाँ पर व्यवसाय के आधार पर भी वहाँ पर क्षेत्रों का विभाजन देखने को मिलता है, ऐसा बारबोसा का मानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर क्या देखें कि क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे, प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए भी पानी के स्रोत का कार्य करते थे। तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से जल संसाधन प्रणाली की व्यवस्थाएँ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर यह आप लोगों का जो हेडिंग से पूरा एकदम पूरी तरह समाप्त हुआ। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय चीज़ें हैं कि आप लोगों को समझने वाली बातें हैं कि किस प्रकार से, अगर भारतीय इतिहास को आप लोगों को जानना है, तो भारतीय इतिहास आप लोग पढ़िए और उसको सोचिए समझिए। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनके जो कारीगर हैं, जो बनाए गए हैं, जिस प्रकार से निर्माण किया गया है, ठीक है। तो
यहाँ पर आप लोगों का यह जो हेडिंग्स है वो समाप्त होता है, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कल राजकीय केंद्र के बारे में। तो हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और विजयनगर साम्राज्य में जो शासक वर्ग है उसके बारे में बात किया, विजयनगर साम्राज्य में जो नगरी व्यवस्था है उसके बारे में बात किया, और वहाँ पर किस प्रकार से शासन प्रशासन उसके बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे राजनीति पर, ठीक है। तो वहाँ पर राजनीति अगर हम लोग कल से बात करेंगे, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेकर छोटे छोटी चीज़ों को लेकर वहाँ पर हम लोग चलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को कम्प्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एकदम चैनल से बने रहें, वहाँ पर अपने सुझाव देते रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप लोग अपने सुझाव दीजिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी चीज़ें लेकर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह एनसीईआरटी का लेक्चर पसंद आता होगा, आप लोग नोट्स बनाते होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग एकदम चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।